थोड़ा सा आगे के साइड पे गए हैं, मशीन के द्वारा स्पॉटेड हो सकते हैं सांगवान, या फिर मशीन भी स्पॉटेड हो सकते हैं काफी ज्यादा ओपन में। अगर ये ब्रोकन वॉल पे सांगवान जाने की कोशिश करते हैं तो फिर शायद एक अच्छा खासा एंगल वहां से बन सकता है। बढ़िया, बिल्कुल मशीन ने उनको स्पॉट किया। व्हाट, सांगवान क्या कर रहे थे पता नहीं, बट वो खड़े हो गए एक जगह। मशीन सामने के साइड से थे। बद्रिफ शायद यहाँ पे एक नेट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, या रेगल्टोज हैं जो एक नेट ट्राई करने की कोशिश करें, बट मॉली आया रेगल्टोज की काफी ज्यादा क्लोज। एक नेट भी था बट उतना ज्यादा हिट नहीं किया। बैरल इनके पास और ऊजी भी है, बूस्ट कर लिया, पूरी हेल्थ करेंगे रेगल्टोज दूसरे साइड पे। सांगवान को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है शायद। यस, कापसी बहुत ज्यादा क्लोज है सांगवान के। अभी के लिए रेगल्टोज को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। सांगवान को पूरी तरीके से फिनिश किया जाएगा कापसी के द्वारा, उजी का इस्तेमाल किया उन्होंने फिनिश करने के लिए। 4v2 का सिचुएशन होता हुआ सोल वर्सेज इंस्टिंक्ट ईस्पोर्ट्स, किसी भी टाइम कुछ भी देखने को मिल सकता है। रेगल्टोज अभी भी ऊपर के साइड पे, सांगवान को फिनिश किया गया। मॉडल के पास बैरल थी और उजी था, और शायद रेगल्टोज के पास भी उजी है। कापसी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, मॉडल नीचे के साइड पे, उजी था उनके पास, बैरल से बढ़िया नॉकआउट देखने को मिला है। इंस्टिंक्ट ईस्पोर्ट का एक बंदा डाउन, रेगल्टोज भी डाउन हो चुके हैं। मॉर्टल अकेले बचे अपनी टीम से, बाकी सारे मेंबर ऊपर के साइड पर रश करेंगे। बद्रे रश करते हुए बैरल के पास, हेल्थ काफी ज्यादा लूज कर दिया, बैंडेज रखे और बाकी सारे मेंबर बाहर से आने की कोशिश करेंगे। इविल आई को डाउन किया, एक एचपी पे ये भी जिंदा है क्या? मॉर्टल क्लच कर जाएंगे अपनी टीम के लिए। बद्रे दूसरे साइड से आते हुए, मॉर्टल का बेहतरीन क्लच देखने को मिलता हुआ अपनी टीम के लिए। 4 किल्स निकाले हैं मॉर्टल ने, और इंस्टिंक्ट ईस्पोर्ट्स इसी के साथ एलिमिनेट होती हुई 12th पोजिशन पे। क्या प्यारा गेम प्ले दिखाया है मॉर्टल ने। वेज क्रॉल्स की ईवो की